नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं प्रशांत शर्मा। हाल ही में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 क्रिकेट से कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी है। कोहली ICC T20 विश्व कप के बाद भारत के लिए T20 में कप्तानी करते नजर नहीं आएंगे। अब भारत के पूर्व खिलाड़ी और चयन समिति के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वेंगसेकर ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है जिसे कोहली के बाद T20 की कप्तानी मिलनी चाहिए, और वो नाम और कोई नहीं बल्कि रोहित शर्मा का ही है। वेंगसेकर की माने तो इस वक्त भारतीय टीम में रोहित के अलावा ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो विराट कोहली की जगह कप्तान बन सके। दिलीप वेंगसेकर ने इस बारे में चर्चा करते हुए कहा कि रोहित भारत के अगले T20 कप्तान बनने के असली हकदार हैं, क्योंकि जब भी उन्हें मौका दिया गया है उन्होंने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। 2018 में भारत ने उनकी कप्तानी में एशिया कप जीता। इसके अलावा वो मुंबई इंडियंस के लिए एक असाधारण कप्तान है। रोहित को बतौर कप्तान चुनने का जो सबसे मुख्य कारण नजर आता है वो ये है कि उनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 5 टाइटल अपने नाम किए हैं, जिनमें से 2 लगातार हैं। अगर बात करें विराट कोहली की तो साल 2017 से कोहली ने व्हाइट बॉल में बतौर कप्तान टीम की कमान संभाली थी। उनकी कप्तानी में भारत ने 45 मुकाबले खेले जिसमें से 27 में भारत ने जीत का स्वाद चखा। वहीं दूसरी ओर रोहित ने 19 मैचों में भारत के लिए कप्तानी की है जिसमें भारत ने 15 बार जीत हासिल की है। विराट कोहली की जगह रोहित को ही टीम का कप्तान बनते देखना सही होगा, क्योंकि रोहित काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं और समय समय पर उन्होंने अपनी कप्तानी से सभी को काफी प्रभावित भी किया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।